नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। चीन में अनोखा विरोध, जिनपिंग के खिलाफ मिडिल क्लास का 24 प्रांतों में विद्रोह। होम लोन नहीं चुका रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पहली बार मिडिल क्लास के लोगों का विद्रोह झेलना पड़ रहा है। चीन के 31 में से 24 प्रांतों में लोग 235 प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट के 1.3 करोड़ लोग होम लोन की किस्त जमा नहीं करा रहे हैं। उनका आरोप है कि बिल्डर प्रॉपर्टी का समय पर कब्जा नहीं दे रहे हैं। कोरोना काल के दौरान चीन में जीरो कोविड की नीति के तहत सख्त लॉकडाउन के कारण प्रॉपर्टी सेक्टर को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। रिसर्च संस्था कैपिटल इकोनॉमिक के जूलियन इवांस का कहना है कि प्रॉपर्टी सेक्टर की मंदी जल्द ही चीन के अन्य सेक्टरों को भी प्रभावित करे। नवंबर में कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन, जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करेंगे। मिडिल क्लास का ये विद्रोह उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो मिडिल क्लास का ये विद्रोह उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 10 करोड़ सदस्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वोटिंग करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।